इनका ना छोटा सा प्यारा सा घर बना रखा है कि भाई बारिश बुरिश आए तो उसमें बैठ जाए। और देखो इसका नाम है भालू, उसका नाम है माइलू, एक और है दूसरा वो शायद से वहाँ पे होगा, उसके अंदर होगा, वो बैठे ना। मतलब सारे एकदम सॉर्टेड है, मस्त अपनी अपनी जगह बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज गाड़ी ना मतलब उसमें से आई है पूरी गंदी भागती हुई, तो उसकी वजह से देखो ये दिखाऊं मैं आपको, कैमरा जो है पीछे वाला वो काम ही नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा, तो रिवर्स पार्क जो असिस्ट है इसी से काम चलाना पड़ रहा है। मतलब ये भी दे देता है वैसे तो, बट ना थोड़ा बहुत ये कि छोटे छोटे कुत्ते हैं ना हमारे वहाँ पे, तो कोई कुत्ता इसके नीचे ना जाए बच्चा, बस उसी चीज़ का डर जो लगा रहता है। अभी आप जा रहे हैं भाई अर्नवी घर पे निकल। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी उठा हूँ मैं एंड पता नहीं क्यों आज सर दर्द हो रहा है सुबह सुबह, आंखें ऐसी भारी भारी सी हो रही हैं, बीपी है हाई, आई डोंट नो जो भी है, या फिर रात को ठंडी हवा में निकल गया इस वजह से हो रहा है। गाड़ी की हालत में देखो इतनी गंदी हो रही है। देखो गाड़ी की हालत आप लोग देखोगे ना कहोगे भाई नई गाड़ी का ऐसा, तो मैं क्या करें, मात्र 10 दिन हुए गाड़ी को, पर वो ये ना कल पानी में गई थी और फुल स्पीड में आई भाग के, और अगल बगल वालों ने भी छीटे वीटे मारे, उस वजह से जो है इतनी गंदी हो रखी है गाड़ी। तो अभी जो एक बार इसको बाहर निकालूंगा एंड बाहर निकालने के बाद इसको धुलवा के भी लेके आना है, यहाँ से पूरी की पूरी गंदी हो रखी है देख रहे हो ऊपर से नीचे, और ये एक्चुअल कलर गाड़ी का, बट ठीक है। तेज तबीयत खराब है एंड आई डोंट नो, मतलब टेस्ट भी गया हुआ है मुंह का, और पता नहीं कोविड तो नहीं हुआ, खैर आई होप द बेस्ट। और ये मैं गोली लेके घूम रहा हूँ, यहाँ कंठ सुधार कोटी, मतलब ठीक है तो अच्छी है, टेस्ट तो थोड़ा अजीब अजीब सा है। अभी जो है गाड़ी धुलवाने आ रहे हैं, पीछे शाश्वत है, और यहाँ पे भी आपको दूसरी गाड़ी दिखेगी आते हुए थोड़ी देर में, यक्षु आ रहा है, यक्षु मैंने बुला ही लिया था कि भाई आ जाए यहाँ पे हम लोग, अभी देखना 1 2 3 ये देखो गंदी सी गाड़ी आ गई ना, ये मारन लाग रहा भाई के बाद भाई, ये कहाँ से लेके आए, इन्हें कहाँ से ले आया तू, भाई यहाँ पे ये देख सकते हो हमारी गाड़ी के साथ साथ जो है साइकिल भी धुलने आई हुई है, इधर ये दिख रही होगी अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, ये रही दिख रही, सप्लाई हमारी भाभी ने भाई, सप्लाई सप्लाई की बात करी, किसने करी सप्लाई, भाभी ने, किस भाभी ने, तो यहाँ गाड़ी धुलने लग रही है, बस धुल जाती है, देखते हैं। धुलवाली थी गाड़ी, धुलवाने के बाद तो एकदम साफ होगी, बट एक थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि थोड़ी बहुत बारिश आने लगी थी, तो यहाँ से गंदी होगी, खैर अब कपड़ा मार लूंगा, उतनी तो गंदी नहीं हो रही जितनी पहले गंदी थी। और यहाँ पे देखो सारे मेरे ब्लैक बैठे चोते चोते, ये माइलू व पीछे भालू, और ये देखो ये सारे है ना, अभी इनको खाने दूंगा, सो रहे हैं थोड़ी देर, शाम को इनको खाना देते हैं, चलो। तो गाइस अभी अचानक से ना तबीयत खराब होगी काफी ज्यादा, और अरे छोटे छोटे डॉगी आ रहे हैं, इनका भी डर रहता है। अभी जा रहा हूँ मैं मेडिकल स्टोर में डोलो 650 लेने, खांसी जुकाम भी है, एक बार फीवर भी चेक करा लूंगा, क्योंकि ना मेरा पूरा बदन भड़क रहा है, जैसे मतलब फीवर होता है वैसे टाइप्स भड़क रहा है, तो अभी जाता हूँ एक बार अचानक से, मतलब पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, चल के नहीं बन पा रहा मेरे से। ये कैमरे के बारे में मैंने कई बार बताया, इसमें कैमरा भाई उल्टा सीधा लगा दिया, कैसा कुछ लगा दिया, और मतलब ये पार्क असिस्ट है ना, इसी से ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है कैमरा में। ये देखो ये बता देता है, ये आपको बता देता है कि आपका 90 सेंटीमीटर एक मिनट वेयर सीट बेल्ट बता रहा है, ये मतलब मेरे पीछे पेड़ है यहाँ पे, तो ये बता देगा 75 सेंटीमीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस बच गया है, तो ठीक है। और ना एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, बताऊँ आप लोगों को, इस गाड़ी का टॉर्क इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है ना भाई लोग, मतलब सच्ची में टॉर्क के क्या कहने, इसके रीज़न बताता हूँ आप लोगों को भाई, किसी भी चढ़ाई पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ गियर में चढ़ जाती है। बड़े अजीब प्राणी के लोग हैं भाई, खुद हाई बीम पे चला के रखेंगे, देखो मेरी आंख में दिख रहे अभी भी लगी है, और भाई ये दूर से ना ऐसे ऐसे मारना स्टार्ट कर देते हैं कि धीरे कर ले। अब थार की जो लाइटें हैं वो काफी ऊंची हैं, तो धीरे तो कैसे करूंगा मैं, कोई नहीं, कितना था बताओ, तो भाई 100.4 का कुछ फिगर था, कौन सी दवाई दोगे, वही अपना डोलो, ना डोलो नहीं खाते, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, वायरल चल रहा है ना, अच्छा वायरल है क्या, ठीक है चलो, मैं दीपक भाई बात है मेरे डॉक्टर। तो भाई यहाँ पे 2 दवाई दी है भैया ने, भैया ने बोला ज्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए ना, बुरा होता है, बिल्कुल बिल्कुल भैया, ज्यादा नहीं लेनी चाहिए आपको तो ये 2 दवाई है बेसिकली, और उसकी सर्दी जुकाम की है मोस्टली। तो मिल गया अभी जो है 100.4 फीवर है, 100.4 फीवर हो रहा है, और बदन सुबह से ही दर्द हो रहा है मेरा इतना ज्यादा, जिसकी वजह से मिल गया अभी आए हुए हम लोग डीजल डलवाने अभी हम लोग आए डीजल डलवाने, यहाँ पे दिख रहा होगा, और भाई ने पूछा करा ये पेट्रोल में, हाँ 1010 का, और गाइस मैं इस पेट्रोल पंप से इसलिए डलवाता क्योंकि लोग पानी मिलाते हैं ये पकड़ा हुआ है 3 जगह, मेरी गाड़ी रिजर्व में खड़ी थी, इसलिए मैंने जो है डलवा लिया है। हमसे भाई वो गाड़ी चलाने के बाद ना ये ऐसी छोटी सी लगती है जैसे एकदम फर्श पे बैठे हो आप, और 2-3 चीज़ें हैं जैसे कि इसकी स्टीयरिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, एंड गियर ऑब्वियसली बात है यार वो पूरा एकदम बड़ा हाथी घोड़ा है, और ये छोटी सी गाड़ी है तो इसकी गियर जो है शिफ्टिंग उसकी भी स्मूथ है नो डाउट, बट हाँ ये लगा लो कि 20,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है एंड वो लगा चल चुकी है, तो इसके आज भी स्टिल एकदम स्मूथ है। और क्लच व्लच की बात करूँ तो क्लच इसका थोड़ा सा टाइट है, उसका एकदम लूज है, हाँ ये चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आई कि यार इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी जो उसका क्लच है ना वो इतना स्मूथ हो, मतलब है सही है, तो ये चीज़ सही है मेरे को, एक बार अंदर चढ़ा देता हूँ। मेरे को ना मतलब छोटे गियर्स पे चलाने की आदत होगी गाड़ी, बड़े गियर्स पे छोटी स्पीड में, एंड वही जाती है दिक्कत आजकल, तो साथ दिक्कत देखो ये नीचे ऐसे बैठ जाते हैं ना रात को, और अभी देखना स्टार्ट करूंगा
सब बोले मुझे राग गुंडा, हैरान परेशान सब खुद बना ब्रांड मुंडा। तो ये हटाने के बाद भी नहीं निकलते, ये देखना अभी। अच्छा निकल गए, वेरी गुड, मतलब सीखने लग गए थोड़ा बहुत कि गाड़ी स्टार्ट हो जाइए तो हटाना चाहिए। अरे हम बुखार ने तोड़ रखा है अभी शरीर मेरा बुरे तरीके से, तो एक बार करता हूँ गाड़ी अंदर। कौन है भाई? पॉजिटिव आ गया था। अरे जान ही रहे, जान ही नहीं दे रहे क्या? उसकी 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 ना इतनी दूर से ठीक है, अंदर नहीं आना। नंबर वेल गाइज, डरने की बात ये नहीं है, अभी आई एम टोटली फाइन। और ये बात है, जब मैं अपनी थार के लिए गया था आरटीओ में, एंड रैंडमली उन लोगों ने बोला कि भाई आपको अंदर घुसने से पहले अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। मैंने बुखार बुखार मेरे दो तीन दिन आग पहले आके जा भी लिया था, बोले कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा उससे, मतलब तभी आप अंदर जा पाओगे। रैंडमली टेस्ट हुआ, दो तीन दिन जो है मैं, मतलब मैं ठीक भी हो गया, रिकवर भी हो गया, मुझे पता नहीं कोविड, मैंने पूछा भी तो बोले वायरल है और दवाई दवाई ली, ठीक हो गया। हाँ ये चीज़ थी कि मुंह से जरूर टेस्ट चल गया था, बट देन फिर दो तीन दिन बाद फोन आता है कि आप कहाँ पे, मैंने कहा भाई अभी मैं गुड़गांव हूँ, तो बोले आप जहाँ पे भी आइसोलेट हो बिकॉज आप कोविड पॉजिटिव हो। देन फिर मैं भाई प्रॉपर रेस्ट लिया, थोड़े दिन मैं घर पे रहा, घूमा फिरा नहीं। देन उसके बाद अर्ण और शाश्वत सभी सब कोविड पॉजिटिव आए, तो वी डोंट नो कहाँ से आया, बट हाँ ये चीज़ जरूर है कि यार अब की बार का जो कोविड स्ट्रेन था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा था, इजिली फैल रहा था, एंड मतलब यूँ लगा लो कि मेरे को समझ में आ गया था कि एक दिन बुखार आया, दो दिन बुखार आया, उसके बाद एकदम से चले गया वो, तो कोविड का ही था। तो जो भी है अभी आई एम टोटली सेफ। और पुराना ब्लॉग है, मतलब धीरे धीरे करके सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, डेली ब्लॉग्स हैं ये, तो अब डेली ब्लॉग्स ही आते रहेंगे थार के जैसे भी। आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आ रहे नहीं आ रहे, जैसे भी अगर आपको सही भी लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, नहीं भी लग रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताओ हर्ष भाई अपना जो तरीका है वो चेंज करो, या फिर आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो और ब्लॉग्स में। एंड वापस बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि मैं अभी भी कोविड पॉजिटिव हूँ तो मैं नहीं हूँ भाई। अगर आप मेरी गाड़ी देखोगे इसमें तो पीछे जो नंबर है नहीं चढ़ा हुआ, अभी तो गाड़ी में नंबर भी चढ़ गया, बहुत से काम भी हो चुके हैं, जनका का मैं घूम के भी आ गया हूँ, तो अभी आपको मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। खैर भाई मिलेंगे हम लोग ऐसी रोड तक के लिए, बाय, धन्यवाद। और हाँ नीचे सजेस्ट दीजिएगा कि भाई मैं क्या करूँ, 24 घंटे वाला ब्लॉग करूँ, क्या करूँ चुके हैं।